नमस्कार, मैं पिंटू शिंग्यारा आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, मैं खेसारी लाल यादव की बात करूं तो खेसारी लाल यादव की एक फिल्म को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है और वो फिल्म है लिट्टी चोखा को लेकर। बात करें तो लिट्टी चोखा का रिलीजिंग डेट भी आ चुका है और आप सभी को पता ही होगा कि उसमें जो मेन कास्ट है वो आखिरकार कौन कौन है। खेसारी लाल यादव एज अ लीड एक्टर के रूप में है, तो वही काजल राघवानी जो है एज अ लीड एक्ट्रेस के रूप में है, लेकिन उनके साथ एक और अदाकारा इस फिल्म में नजर आ रही है और उनका नाम है श्रुति राव। काफी ज्यादा क्यूट, काफी ज्यादा खूबसूरत, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल जो है वो श्रुति राव है और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है भोजपुरी गोशी को, जिसमें खेसारी लाल यादव के बारे उन्होंने तमाम ऐसी बातें बोल दी है जिसको लेकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा, आपका भी दिल गदगद हो जाएगा। दरअसल श्रुति राव के बारे में जब खेसारी लाल यादव को लेकर पूछा गया तो खेसारी लाल यादव के बारे में उन्होंने बताया कि खेसारी लाल यादव काफी फनी अंदाज के व्यक्ति हैं और वो हमेशा सेट पर चाहे वो दुख में हो चाहे सुख में हो हमेशा लोगों को हंसाते नजर आते हैं, मोटिवेट करते नजर आते हैं, कॉर्पोरेटिव हैं और लोगों को काफी बढ़िया तरीके से कम्युनिकेट भी करते हैं। तो आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि खेसारी लाल यादव का कौन दीवाना नहीं है। दरअसल बात करूं तो उनका एक फिल्म और आ रहा है जिस फिल्म का नाम है आशिकी, जिसमें कयास लगाए जा रहे थे कि काजल राघवानी उस फिल्म में शामिल हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से विवादों का दौर चला था उसके बाद से काजल राघवानी को शायद ये फिल्म जो है भारी पड़ी और काजल राघवानी जो है वो इस फिल्म से आउट हो गई और उनके जगह पर आम्रपाली दुबे को कास्ट किया गया है। तो फाइनल जो फिल्म आशिकी है उसमें खेसारी लाल यादव और आम्रपाली दुबे नजर आएंगे। उसकी शूटिंग कल से शुरुआत हो चुकी है और फाइनली आज जो है खेसारी लाल यादव और आम्रपाली दुबे वहां पर रिपोर्टिंग करने वाले हैं और फिर उनका जो सीनारियोस होगा, उनका जो सीन होगा वो क्रिएट होने वाला है। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि लिट्टी चोखा वाली जो हीरोइन श्रुति राव है वो भी इस फिल्म में नजर आने वाली है ना। इंटरेस्टिंग, क्योंकि श्रुति राव काफी ज्यादा क्यूट है, ब्यूटीफुल है, तो ऑब्वियसली इस फिल्म में भी उनका कुछ खेसारी लाल यादव के साथ रोमांस देखने को मिलेगा। कुछ ऐसा लग रहा है आशिकी ही नाम से ये फिल्म जो है वो कहीं ना कहीं लव स्टोरी से जुड़ी हुई है। तो इस फिल्म में भी आम्रपाली दुबे के साथ जो है श्रुति राव नजर आने वाली है और उनका जिस तरीके से मैंने कल तस्वीरें दिखाई थी तो वो जो पहला शूट था वो श्रुति राव के ही शुरुआत से शुरू हुआ था और आज जो है आम्रपाली दुबे और खेसारी लाल यादव जो है उनकी शूटिंग होने वाली है। पराग पाटिल जो है वो इसके डायरेक्टर है, पराग पाटिल इस फिल्म का जो है वो डायरेक्शन कर रहे हैं। बाकी इस फिल्म को लेकर कितना ज्यादा एक्साइटेड है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए और जैसे जैसे हमारे पास फुटेज आते जाएगा मैं आप सभी को दिखाऊंगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारे चैनल भोजपुरी रिमझिम चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, क्योंकि जैसे ही फुटेज आएगा सबसे पहले मैं आप सभी को दिखाऊंगा। तो जानकारी पसंद आई तो फिर लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़े, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।